नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल नव्या फूड ब्लॉगर में। तो आइए आज हम बनाएंगे गर्मा गर्म पराठे, और वो भी इतने सॉफ्ट कि बच्चे और बूढ़े सभी इसे आसान तरीके से खा सकते हैं। ये देखने में भी इतने मुलायम है और खाने में भी बहुत मुलायम है। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए, ये मैंने 2 कप गेहूँ काटा लिया है। अब हमें इन्हें अच्छे तरीके से छान लेना है। छानने के बाद अब हम क्या करेंगे, हम इसमें डालेंगे 1 बारीक कटी हुई प्याज। तो मैं यहाँ पे प्याज डाल लेती हूँ, 1 ही मैंने काटी है। यहाँ पे हरी मिर्च, अब मैं उसको भी काट के इसी के अंदर डाल देती हूँ। अब हमारे जाएंगे इसमें कुछ सूखे मसाले। यहाँ पे मैंने हींग लिया है, और अब हम डाल देते हैं इसमें लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून। आपको जितना तीखा पसंद है आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ मैंने लिया है 1 टीस्पून नमक, और 1/2 टीस्पून लिया है मैंने धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर। और इसी के साथ अब हम ले लेते हैं इसी के अंदर, और यहाँ पे हम ले रहे हैं जीरा। तो 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पे जीरा लिया है, और अब मैं डाल देती हूँ 1 टीस्पून कसूरी मेथी। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और इसी के साथ अब हम डाल देते हैं 1/2 टीस्पून चाट मसाला, और 1/2 टीस्पून से भी कम डालेंगे हम हल्दी पाउडर। और इसी के साथ अब हम डाल देते हैं इसमें 1 चम्मच घी। घी से बहुत ही अच्छे खस्ता और सॉफ्ट पराठे बनते हैं हमारे। और यहाँ पे मैंने ले लिए हैं ये 1 कटोरी उबले हुए आलू, जिनको मैं आटे के अंदर तोड़ के मैश कर देती हूँ इसी के साथ। तो हम इन आलुओं को, पराठों को गेहूँ के आटे के साथ ही मिक्स कर लेंगे। बस इन्हें अच्छे तरीके से सूखे मसाले और आलू को आटे के अंदर मिक्स करेंगे, और एक इसका सॉफ्ट डो लगा लेंगे। तो बस जब हमने ये मिक्स कर लेंगे, अब हम लेंगे थोड़ा सा पानी। तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी डालेंगे और एक अच्छा सॉफ्ट डो लगा लेंगे। तो देखिए इससे क्या होगा कि हम आटे के साथ ही आलू को मैश कर लेंगे, जो रह जाएगा उसे अच्छे तरीके से तोड़ लेंगे। और यहाँ देखिए, ये हमने डो लगा के रेडी कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसे रेस्ट करने के लिए रख देते हैं 10 मिनट के लिए। ये अच्छे तरीके से और बढ़िया आटा हमारा तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर हम रख देते हैं 1 लोहे का तवा, आप नॉन स्टिक भी ले सकते हैं। और यहाँ मैंने लिया है सूखा आटा। तो अब हम क्या करेंगे, आटे की थोड़े सा एक पेड़ा तोड़ेंगे 1 पराठे के बराबर, और इसको शेप दे लेंगे। और शेप देने के बाद अब हम इसमें सूखा आटा लगाएंगे और इसको बेल लेंगे। अब आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा किसी हिसाब से भी बना सकते हैं, कोई भी शेप दे सकते हैं। तो हम थोड़ा थोड़ा करके इस पर आटा लगाएंगे और एक पराठा बेल के तैयार कर लेंगे, रोटी बेल के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ देखिए, मैं थोड़ा थोड़ा आटा लगा रही हूँ और इसको बेल रही हूँ। इससे क्या होता है, ये चिपक जाता है आलू डालने से, लेकिन इससे आलू को और आटे को अच्छे तरीके से जब हम मिक्स करेंगे तो इससे बहुत ही अच्छे हमारे पराठे बनके तैयार होंगे। बना करके तैयार कर लिया है, इसको बेल लिया है। अब हम डाल देते हैं तवे के ऊपर। तो तवा भी हमारा गर्म हो गया है, पहले उसके ऊपर हम थोड़ा सा घी लगा देंगे, और अब डाल देंगे हम अपनी रोटी जो हमने बनाई है। बस इसे सिकने देते हैं एक साइड से अच्छी तरीके से, फिर हम इसको पलट देंगे। पलटने के बाद अब हम ऊपर से घी लगा देंगे। आप तेल में भी बना सकते हैं, पर मैं इसे घी में बना रही हूँ। पराठे जो है घी में ही बहुत अच्छे लगते हैं। आप बटर भी ले सकते हैं इसकी जगह पर मैं देसी घी का यूज़ कर रही हूँ। अब हम एक साइड से घी लगा के हम दूसरी साइड से भी घी लगा देंगे, और इसको पलट पलट के दोनों साइड से अच्छी तरीके से सेक लेंगे। तो देखिए, लोहे के तवे पे पराठे बहुत अच्छे बनते हैं, नॉन स्टिक पे इतने अच्छे नहीं बनते हैं। लोहे के तवे पे क्या होता है कि वो करारे हो जाते हैं। तो ये देखिए, एक तरफ से हमारा पराठा अच्छे तरीके से सिक गया है, और दूसरी तरफ से भी हम इसको पलट के सेक रहे हैं। ये देखिए, तो इसे दबाते हुए इस तरीके से बना लेंगे और हमारा पराठा तैयार है। इसी तरीके से हम दूसरा भी बना लेते हैं। बस आटे की लई लेनी है और उसको आटा लगा के उसको पेल लेना है अच्छे तरीके से। सेम वही प्रोसेस हमें दोबारा से करना है, बस बेल के और तवे पे डाल देंगे। तो जब तक मैं ये पराठे बनाती हूँ, ये देखिए मैंने इसको भी बेल लिया है अच्छे तरीके से। अब मैं इसको भी डाल देती हूँ।
और अब इसे भी पलट पलट के दोनों साइड से घी लगा के इसको भी अच्छे तरीके से सेक लेंगे। घी क्या है, हमारे दिमाग के लिए भी अच्छा होता है और घी हमें खाना चाहिए, घी हमारी सेहत के लिए अच्छा है। अगर आपके पास घी नहीं है तो आप तेल या बटर किसी में बना सकते हैं। और बस मैं अब बना के हमने तैयार कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने दही ली है, आम का अचार लिया है और टमाटर केचप, आप किसी के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। और ये लीजिए हमारे गर्मा गर्म आलू प्याज के पराठे बनके हो गए हैं तैयार। बस सुबह का नाश्ता हो या शाम की हल्की फुल्की भूख, कभी भी इसे बनाइए खाइए। ये देखिए देखने में भी कितने अच्छे लग रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे तीनों चीज़ों के साथ सर्व किया है, आप इसे अचार के साथ या किसी के साथ भी टमाटर केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और ये देखिए ये मैं इसको मोटी बांध रही हूँ रोटी की पराठे की, और देखिए ये किस तरीके से सॉफ्ट है, इसको बांधने के बाद भी टूट नहीं रहे, ये देखिए। तो है ना एक यूनिक तरीका आलू और प्याज के पराठे बनाने का। तो थैंक यू गाइस।